हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि तेज ऐप से हम किसी दूसरे अकाउंट में कैसे पैसे भेज सकते हैं, जो तेज यूज़र नहीं है उसके अकाउंट में कैसे पैसे भेज सकते हैं। हाँ तो चलते हैं अपने तेज ऐप से। यहाँ पे मैं तेज ऐप को ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड डालता हूँ जो आपको दिखाई नहीं देगा, ब्लैंक है। और यहाँ पे चलते हैं, ये रहा मेरा तेज ऐप। अब हम किसी फ्रेंड या किसी अदर पर्सन को पैसे भेजने हैं तो यहाँ ये स्लाइड को ऊपर करना है और ये न्यू पे क्लिक करना है। तो मुझे पैसे किसी और IFSC कोड के द्वारा भेजना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मुझे नाम डालता हूँ उसका। तो मैं अपने दूसरे अकाउंट में भेजता हूँ तो मैं अपना नाम डालूँ। अपना नाम डाल लिया, यहाँ पे मैं अपना अकाउंट नंबर डालता हूँ। डाल लिया अपने अकाउंट नंबर, फिर इंटर अकाउंट नंबर डालना है। यहाँ पे मैं अपना अकाउंट नंबर डाल चुका हूँ और अब IFSC कोड डालता हूँ। मैं IFSC कोड डालने के बाद डन कर देता हूँ। जैसे ही डन करूँगा यहाँ पे मुझे आगे कितने पैसे भेजने हैं तो मैं यहाँ पे अपने अकाउंट पे 100 रुपये भेजता हूँ। यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, गिफ्ट लिख दिया और यहाँ पे क्लिक करा। अब यहाँ पे मुझे अकाउंट भी सिलेक्ट करना है। मेरे पास यहाँ पे 2 अकाउंट है तो मैं यहाँ DBS बैंक पे क्लिक करता हूँ, यहाँ प्रोसीड टू पे करता हूँ। यहाँ पे मेरा पासवर्ड मांग रहा है तो मैं अपना पासवर्ड डालता हूँ। यहाँ पे मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया है और पासवर्ड डालने के बाद मैं सेंड करता हूँ। और ये मैं IFSC कोड के द्वारा मैंने किसी दूसरे बैंक में पैसे भेज दिए हैं और ये चला भी गया है। तो दोस्तों, इस तरह आप किसी दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे IFSC कोड के द्वारा डाल सकते हैं। यहाँ पे स्टेटस देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने 100 रुपये भेजी है, मैं अपने दूसरे अकाउंट नंबर पे यहाँ पे चला गया है पैसे। मैसेज भी आ गया यहाँ पे, मेरे पैसे कट हो गए हैं। तो चलिए दोस्तों, इस तरह आप अपने तेज ऐप से किसी दूसरे बैंक में IFSC कोड के द्वारा पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर करें और कमेंट करें अगले वीडियो के लिए। थैंक यू।